हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सो दिस इज योर फ्रेंड संजय एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल ट्रेवल विद संजय. तो सबसे पहले दोस्तों बहुत बहुत थैंक्स यार, पिछले मेरे वीडियो के ऊपर आप लोगों ने बहुत बढ़िया से कमेंट्स लिखे और मेरे वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक किया और इतना ज्यादा शेयर किया कि आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि कल के पेपर में भी मेरी रेसिपी को पब्लिश किया है. तो यार आजकल लॉकडाउन में जैसे कि पता है आपको, मैं और आप सब लोग भी अपने अपने घरों में बंद हैं तो बाहर तो जा नहीं सकते, तो इसलिए आजकल मैं भी अपनी इस इंस्टिंक्ट को भी ट्राई कर रहा हूं जो कि है मेरी कुकिंग की इंस्टिंक्ट. तो दोस्तों उसी सीरीज में फिर आपके लिए लेके आ रहा हूं एक नई रेसिपी, और वो नई रेसिपी क्या है, वो है ढोकले. तो अगर आप लोगों ने अभी तक ढोकले मार्केट में खाए हो या घर में खाए हो लेकिन अभी तक मार्केट जैसा मजा नहीं आया हो तो दोस्तों भूल जाओ आज से मार्केट के ढोकले. और गारंटी के साथ में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं अपनी नियर न्यू रेसिपी. और आपको बता दूं कि कम से कम मैं 30 35 40 बार रेसिपी ट्राई कर चुका हूं पहले, तो बड़े परफेक्शन के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं ढोकले की रेसिपी. तो दोस्तों आप लोग भी इसी टेक्निक से अपने घर में ट्राई करिए ढोकले बनाना, और फिर उसके बाद में आप भूल जाएंगे कि मार्केट के ढोकले कैसे होते हैं, आई अश्योर यू. तो इसी के साथ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन विच इज कमिंग बिलो, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके. और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, आप कमेंट जरूर करिएगा. और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स में वीडियो के नीचे लिखिएगा, आई विल एब्सोल्युटली क्लियर योर डाउट्स. मैं एक एक डाउट्स का जवाब दूंगा अपनी इस वीडियो में. सो स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल ट्रेवल विद संजय. और चलिए आपको लेकर चलता हूं अपने किचन की तरफ और बनाते हैं अपनी न्यू रेसिपी विच इज ढोकले, लाइक मार्केट से भी अच्छे यार. तो ढोकले बनाने के लिए दोस्तों देखिए आपको दिखा दूं पहले कि हम कौन कौन से आइटम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स दिखाता हूं आपको. तो देखिए ये लिया है मैंने एक कटोरी बेसन, उसके अलावा देखिए ये लिया है लगभग 4 चम्मच शुगर, ये लिया है लगभग 4 से 5 चम्मच तक रिफाइंड ऑयल, और उसके अलावा जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें से देखिए ये लिया है 1/2 चम्मच हल्दी, ये लिया है लगभग 2 चम्मच सॉल्ट, 1 इनो, 4 से 5 तक मिर्चें और 1 नींबू, और इसके अलावा ये राई के दाने. इसके सिवा ये फ्रेश करी पत्ता है, मेरे किचन गार्डन में लगा है, लेकिन अगर आपके पास नहीं हो तो आप अरेंज कर सकते हैं, इससे टेस्ट इन्हांस हो जाता है. और इसके अलावा लिया है फिलहाल 1 गिलास पानी. तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी. तो देखिए हमने ले लिया है 1 भगोना, थोड़ा गहरा लिया है, और इसमें पहले जो शुगर हमारी थी उसमें से डालेंगे लगभग 2 चम्मच चीनी और लगभग 1 से 1.25 चम्मच तक, 1.5 चम्मच तक लगभग सॉल्ट. इसके अलावा हम इसमें डाल देंगे हल्दी जो हमने ली थी पूरी, इसके ऊपर से नींबू निचोड़ देंगे. देखिए ऐसे हाथ लगा लीजिए जिससे नींबू के दाने आपके हाथ में ही रह जाएं, और नींबू निचोड़ लेते हैं. ऐसे करने से नींबू के सीड्स जो हैं वो आपके मिक्सचर में नहीं जाएंगे और आप इनको आसानी से अलग कर सकते हैं. अब इसको हम हाथ से अच्छी तरह से आपस में मिक्स करेंगे जब तक कि शुगर घुल नहीं जाती. देखिए आप चाहे तो किसी भी शुगर भी ले सकते हैं. तो थोड़ी देर ऐसे करने के बाद में देखिए हमारे शुगर के क्रिस्टल जो है वो घुल गए हैं. जैसे ही शुगर के क्रिस्टल घुल जाएं, तो इसमें आप बेसन मिक्स कर लीजिए, पूरा बेसन डाल लीजिए. बेसन को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए इसमें.
उसमें जितने भी ढेले वगैरह हों उनको आप फोड़ दें स्मूथ। और अब इसमें पानी धीरे धीरे डालेंगे, धीरे धीरे, तेजी से बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा डालेंगे और इसको ऐसे एकदम से घोल अगर बनाएंगे तो लम्स बन सकते हैं, इसलिए इसको ऐसे गाढ़ा गाढ़ा काढ़ेंगे। जब ये पूरा पानी एब्जॉर्ब कर ले तो फिर थोड़ा पानी मिलाएंगे। अब इस गाढ़े वाले पेस्ट में जो हमने रिफाइंड ऑयल लिया था उसकी हाफ क्वांटिटी मिक्स कर लेते हैं, इससे पेस्ट स्मूथ हो जाएगा और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करते हैं। अब हमें इसको ठीक से फेंट लेना है। देखिए इसको लगभग 2 से 2.5 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह इसकी से फेंट लिया है और ये देखिए कितना स्मूथ हो गया है। तो अब इसमें हम मिलाते हैं पानी और इसको घोल को करते हैं थोड़ा पतला। देखिए हमारा घोल बनके हो गया है तैयार और अब करते हैं इसकी, देखिए पानी इतना सा बचा है तो लगभग लगभग 1 गिलास पानी इसमें पड़ गया है और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए। देखिए हमने इसमें इनो का ये वाला पूरा पैकेट डाल दिया है अपना ढोकला, तो हम अपना ढोकला बना रहे हैं देखिए इस कटोरे में। तो ये देखिए थोड़ा ऊंचा कटोरा लीजिए और इसको हम कर लेते हैं पहले ग्रीस। ये हमारा ऑयल था, इस ऑयल से हमने इसे अच्छी तरह से कर लिया है चारों तरफ से ग्रीस, और उसके बाद जो हमने इसमें इनो डाला था उसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो देखिए इनो जब मिक्स करेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी क्योंकि इनो अपना काम शुरू कर देगा इसके घोल में जाते ही। और देखिए घोल की थिकनेस, ये अभी तक पतला लग रहा था ना, कितना कंसिस्टेंसी इसकी थिक हो गई और फूल भी गया। तो चलिए अब घोल को ट्रांसफर करते हैं अपने मोल्ड में। तो ये ले लिया है हमने मोल्ड और इसमें कर देते हैं घोल को ट्रांसफर। ये हमने पूरा घोल इसमें ट्रांसफर कर लिया, लगभग आधा कटोरा अभी भी खाली है तो पूरा नहीं भरना है, इसको आधा ही भरना है क्योंकि अभी ये पकने के बाद फूलेगा, तो इसको हमने आधा कटोरा भर दिया है। तो देखिए एक कढ़ाई में हमने पहले ही पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था, तो देखिए पानी हमारा हो गया है अब लगभग बॉयल। तो अब हमें इसके ऊपर अपना ढोकला रखना है पकने के लिए, तो पानी बॉयल्ड में हम नीचे रखते हैं कोई, तो देखिए हमने देखिए नीचे रख दी है एक प्लेट जिससे कि इसका सरफेस थोड़ा ऊंचा हो जाए
और उसके बाद बड़े प्यार से आराम से ये अपना कटोरा इसमें रख दिया है और इसे हम ढक देते हैं एक बड़ी प्लेट से। तो इसे देखिए फिट है, इसके ऊपर एक बड़ी प्लेट से हमने इसे ढक दिया है जिससे कि सारी स्टीम इसके अंदर ही रहे। और आप अपना टाइमर लगा लीजिए, तो आफ्टर हाफ एन आवर हम इसे चेक करेंगे। तो इंतजार करते हैं हाफ एन आवर। देखिए हमने दूसरी कढ़ाई एक ले ली है और जो बचा हुआ हमारा रिफाइंड ऑयल था वो हम इसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों ये तैयारी कर रहे हैं हम, ढोकले जब पक्के तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद में उसको ऊपर से उसमें फोंक लगाने के लिए। तो कुछ सेकंड्स में जैसे ही रिफाइंड ऑयल गर्म हो जाता है, पक्के तैयार हो जाता है, उसमें हम डाल देते हैं देखिए कड़ी पत्ता। जैसे ही कड़ी पत्ते थोड़े से चिटक जाएं तो उसमें हम डाल देंगे अपनी राई। इसके अलावा जो नींबू हमने थोड़ा सा बचा लिया था वो वाला नींबू भी डाल देते हैं। और इसको थोड़ी देर के लिए देते हैं। अब देखिए ये ले लिया है हमने, इतनी देर में लग जो गिलास यूज किया था वो गिलास में आधा गिलास पानी, आधा गिलास, हाफ गिलास। तो ये ढक्कन धीरे से खोलेंगे और इसमें आधा गिलास पानी डाल देंगे। देखो यार इसको रखे हुए 35 मिनट हो गए हैं धीमी धीमी आंच पर। तो जाइए खोल के देखते हैं कि ढोकले की क्या पोजीशन है अभी। तो इसमें एक पतला सा नाइफ या स्पून डाल के देखते हैं, या टूथपिक डाल सकते हैं आप देखने के लिए कि पका है कि नहीं। तो हम डालते हैं इसमें और बाहर निकालते हैं। तो देखिए बिल्कुल क्लीन निकल रही है, इट मीन्स कि ये अंदर से पक चुका है। तो चलिए इसको अब यहां से कढ़ाई से निकालते हैं और थोड़ी देर रखेंगे ठंडा होने के लिए, उसके बाद करेंगे डीमोल्ड। तो यार देखो इसको हटाए हुए लगभग 5-7 मिनट हो गए हैं, तो हो गया है थोड़ा थोड़ा ठंडा। तो चलिए अब इसको डीमोल्डिंग करते हैं। तो पहले आप एक नाइफ ले लें और नाइफ से इसके चारों तरफ के कॉर्नर्स को ऐसे घुमा घुमा के और फिर उसके बाद में जिस बर्तन में आपको इसे निकालना है उसको ले लें। तो मैंने ले लिया है ये बर्तन और इसमें इसको देते हैं पलट। डंडनाडन, ये देखिए हमारा क्या शानदार ढोकले तैयार है। तो देखिए अब आप इसको कर लीजिए, देखिए कितना स्पंजी है, वाह। तो आप इसके कर लीजिए पीसेस और इसको वापस उसी बर्तन में हम रख लेते हैं। तो पहले पीसेस कर लेते हैं। इसके पीसेस इस साइड से भी कर लेते हैं। ये देखिए पीसेस कर लिए हमने। और फिर अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमने घोल बनाया था, ये घोल जो बनाया था इसको करेंगे इसमें धीरे धीरे पोर।
लीजिए, एक गहरे चमचे से इसको ले लीजिए और इसके ऊपर से इसको कर दीजिए पोर। पूरा का पूरा घोल हम इसमें पोर करते हैं। ये देखिए क्या शानदार ढोकले बन के तैयार। तो चलिए 5 मिनट बाद ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर उसके बाद हम आपको इसमें से निकाल के दिखाएंगे कैसे बने हैं आज के शानदार ढोकले। तो देखो यार हो गए हैं 5 मिनट, तो आइए निकालते हैं ढोकले को अपने इस मोल्ड में से और देखते हैं कैसे बने हैं। तो चलिए एक ढोकला निकालते हैं आप टोंग की मदद से आराम से ढोकले को पकड़ के निकाल सकते हैं। देखिए क्या शानदार ढोकला बना है, ये देखिए और देखिए कितना स्पंजी है और ये देखिए कितना स्पंजी, बिल्कुल मार्केट जैसा ढोकला बना है। और जब आप इसे खाएंगे तो टेस्टी भी बहुत होगा, गारंटी है कि मार्केट से अच्छा ही होगा, कम नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोग भी अपने अपने घरों में बनाइए इस लॉकडाउन में ये ढोकले और एंजॉय करिए। और दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आप तक तुरंत पहुंच सकें। और उसके अलावा लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे वीडियो के कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। तो चलो एंजॉय करते हैं यार ढोकले, और मुझसे तो अब रुका नहीं जा रहा भैया, तो मैं तो शुरू करने जा रहा हूं और आप भी शुरू हो जाइए बनाने के लिए ढोकले। तो ये देखिए दोस्तों कर लिए हैं हमने ट्रांसफर सारे ढोकले और देखिए क्या शानदार तैयार हुए हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे ढोकले अपने घर में कुछ ही देर में। तो आप लोगों को रेसिपी पसंद आई हो तो यार एक थम्स अप तो बनता ही है भाई, करो थम्स अप। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तो सब्सक्राइब करिएगा जरूर चैनल को।